वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का असर अब दिखने लगा है। बैंकिंग तथा फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म HSBC ने 10,000 कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। बैंक का कहना है कि लागत घटाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा। बैंक ने इसके पहले भी 4,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी और हाल ही में HP ने भी 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। फाइनेंस से जुड़े अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि इससे पहले HSBC के CEO ने अपना पद छोड़ दिया था। बैंक ने ग्लोबल आउटलुक का हवाला देते हुए 4,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की थी और हाल ही में कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी HP ने भी 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुई छंटनी ज्यादातर ऊंचे वेतन वाले पदों पर होगी। यह कंपनी के नए हेड नोएल क्वीन के लागत कम करने के अभियान का हिस्सा है। कंपनी गिरती ब्याज दरों, ब्रेक्जिट और ट्रेड वार का असर समायोजित करने की प्रक्रिया में है। बताया जाता है कि कंपनी का यह कहना है कि हम वर्षों से इस बात से अवगत हैं कि हमें लागत के मोर्चे पर कुछ करने की जरूरत है। कर्मचारी लागत का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, अब हम इसे समझ रहे हैं। पिछले महीने बैंक ने अचानक समूह के CEO जॉन फ्लिट के भी पद छोड़ने की घोषणा की थी। वे इस पद पर केवल 18 महीने रहे, हालांकि बैंक ने इसकी वजह नहीं बताई। फ्लिंट ने स्टुअर्ट गुलिवर की जगह ली थी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत 50,000 लोगों की छंटनी करने और प्रमुख बाजार से बाहर निकलने का प्लान आगे बढ़ाया था। उस समय बैंक ने यह खुलासा भी किया था कि वह ग्लोबल स्तर पर अपने कर्मचारियों की संख्या में 2% की कटौती करेगा। हालांकि मंदी के बावजूद HSBC मुनाफे में है। पहली 6 मई में शुद्ध इसका मुनाफा 18.6% बढ़कर $8.5 अरब हो गया है। तो कुल मिलाकर HSBC की यह 10,000 कर्मचारियों की छटनी करने की खबर वैश्विक मंदी का एक मामला बताया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।